हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस, जैसा कि आपने देखा है कि हमारा मॉपअप राउंड चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी के लिए। उसके लिए फॉर्म प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, ये बहुत सारा फॉर्म, अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इस कॉलेज का फॉर्म आया नहीं है, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं एंड ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, बिकॉज एक्चुअली बहुत बच्चों को ये फॉर्म नहीं मिल रहा था। तो गाइस, मैं लेके आया हूँ फाइनली ये फॉर्म आपके लिए एंड इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसमें एडमिशन लेना है। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी एक्स वाई जेड यूट्यूबर की वीडियो देख के मिसगाइड होते हैं, फिर उनका एडमिशन नहीं होता। गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके और उनको भी पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो उनकी जेन्युइनली हेल्प करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस, बढ़ते हैं सबसे पहले सर्कुलर पे जो आया है इनका। देखो, ये नोटिस आ चुका है मॉपअप राउंड के लिए इनका। एक्चुअली इन लोगों ने मेरिट लिस्ट के हिसाब से निकाल रखा है। मेरिट लिस्ट वन जो डिक्लेरेशन होगी वो 16 अक्टूबर को होगी इनकी, और मेरिट लिस्ट टू डिक्लेरेशन होगी वो 19 अक्टूबर को होगी इनकी। और ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो आप, जो इनविटेशन है इनका। तो फाइनली जो रिज़ल्ट का डेट है वो भी बता दूंगा, ऐसे कैसे इसमें से इनका तो ये सीन है, बाकी अदर कॉलेजेस का अलग अलग सीन होगा। तो इनका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो गाइस ये फॉर्म की लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, नीचे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी पहले देख लो पहले, नहीं तो बाद में आप गलती कर दोगे, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस का भी कोई सीन है, ठीक है, इसमें प्रेफरेंस भी फिल करनी। तो गाइस, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें गाइस एक चीज़ पॉइंट ये लिखा हुआ है कि देखो, अगर आप अप्लाई करते हो और आपने फ़ीस पेमेंट कर ली तो वो फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। अगर आप अप्लाई करते हो, आपको कॉलेज मिलता है, तो अगर आपने उसको करा तो आपकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी, जो कि 26,255 रुपये है। ये फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी, याद रखना ये बात, पहले बता दिया है इन लोगों ने। तो गाइस, जैसे ही आप ईमेल यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना अपनी और यहाँ पे अपना नाम लिख देना, जेंडर मेल फीमेल या अदर जो भी हो आपका मेंडर लिख देना, और डेट ऑफ बर्थ लिख देना, फिर पापा का नाम लिख देना, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना उनका, और ईमेल आईडी जो वर्किंग ईमेल आईडी हो वो लिख देना, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख देना, अपना जो घर का एड्रेस है वो लिख देना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्रेफरेंसेस लिख देना। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो और जो भी आपकी प्रेफरेंस यहाँ फिल करनी होगी। टोटल 5 प्रेफरेंस दी हैं इन लोगों ने फिलिंग के लिए। तो गाइस, ये बहुत अच्छी बात है, लाइक फर्स्ट फॉर्म देख रहा हूँ जिसमें 5 प्रेफरेंसेस दी हैं। अगर आपने CUET दिया है तो CUET में यस दे देना, नहीं तो नो दे देना, 12th के बेसिस पे कर रहे हो आप। तो अगर आपने CUET का फॉर्म है तो CUET का फॉर्म नंबर डाल देना यहाँ पे, स्कोर डाल देना जो भी आपका स्कोर आया था, नॉर्मलाइज स्कोर टोटल करके आपको पता होगा कैसे करते हैं वो। अपलोड योर CUET फॉर्म, यहाँ पे CUET फॉर्म और उसका रिजल्ट दोनों अपलोड कर देना, ठीक है। यहाँ पे 12th का रोल नंबर अपना डाल देना, ठीक है। फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, टोटल नंबर जितने थे 100 नंबर थे, तो उसमें लेके कितने आए आप यहाँ पे लिख देना। केमिस्ट्री में कितने टोटल नंबर थे और केमिस्ट्री में मार्क्स कितने लेके आए वो लिख देना। मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स, यहाँ पे स्कोर्ड मार्क्स इन मैथ्स इतने लिख देना। कंप्यूटर साइंस में जितने मैक्सिमम मार्क्स थे वो लिखना और जो स्कोर आया था वो, कोई अदर लैंग्वेज का ये कोर्स लिख देना, ठीक है। फिर अपनी 12th की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर देना, फिर अपनी कैटेगरी यहाँ पे अपलोड कर देना, UR OBC जो भी है आपकी, और यहाँ पे अपलोड योर अटेस्टेड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अटेस्टेड सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो जो कि आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, और यहाँ 10th का बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना, और ये अंडरटेकिंग पे क्लिक करके आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है, वो जो डेट्स थी इन लोगों ने बताया 16 तारीख को, तो गाइस वो वेट करना, उस दिन तक आपको एप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा। वो मैं अपने चैनल पे बता दूंगा कि कैसे रिजल्ट आएगा और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो फर्दर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना, और एक बात और गाइस, सपोर्ट बनाए रखो और ऐसे ही सारी अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए, एंड अगर लिंक पर क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए,
एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।